चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स पहली टिप्स है, तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी ये है टिप्स शीशे को लेकर, जो कि हम रोज़ाना यूज करते हैं और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। आप देख पाते होंगे इस तरह के हमारे शीशे पे दाग धब्बे लग जाते हैं, ये देखिए। तो उन्हें हम कैसे साफ कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे डालना है नमक। तो हमने नमक डाल दिया आधी चम्मच, और यहाँ पे मैं डाल ली हूँ विनेगर। तो ये है काला वाला, आप सफ़ेद भी डाल सकते हैं जो आपके पास हो। और यहाँ पे मैं कॉटन से इसे इस तरह से घुमा दूँगी, ये देखिए। हमें रगड़ना नहीं है, इस तरह से घुमा देना है। तो ये देखिए हमारा शीशे के दाग अच्छे से छूट गए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कितनी अच्छी यूजफुल वीडियो है ये। टिप्स है हमारी रुई की बाती को लेकर, जो कि हम अक्सर रोज़ाना पूजा में यूज करते हैं, और वे हम बाज़ार से लाते हैं बनी हुई, कितनी सुंदर सुंदर। तो ये हमारी बातियाँ बनी हुई हैं, तो इन्हें हम पंचमुखी कैसे बना सकते हैं, इस तरह से करेंगे, ये देखिए, और इस तरह दिए में रखेंगे। तो यहाँ पे आप तेल, तिल का या घी जो यूज करते हैं वो डालें, और हमारी यहाँ पे ये देखिए पंचमुखी बत्तियाँ बनके तैयार हैं। और अब हम शाम का समय हो रहा है, इन्हें जलाते हैं, और वे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी यहाँ पे ये पंचमुखी बाती बनके तैयार हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स ये बुझगी। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे ये पंचमुखी दीपक बनके तैयार है। तो अब मैं अखंड ज्योत के लिए बाती बनाना बताती हूँ, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है न्यू कंघा, आप नए कंघे यूज करें, पुराना यूज ना करें, क्योंकि पूजा के लिए है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं कलाया, तो हमें क्या करना होगा, इस कलाए को इस पर बांध देंगे, ताकि हम जब भी अखंड ज्योत जलाते हैं तो बाती लंबी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें लंबी बाती चाहिए। तो इसको यहाँ पे इस तरह से बांध देंगे, ये देखिए हमने ये डबल धागा कर लिया है। तो हम इसको इस तरह अलवेट चढ़ाएंगे और अखंड के लिए बाती तैयार करेंगे। तो हमें किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है, आप कंघे की जगह कुछ और चीज़ भी ले सकते हैं, चम्मच वगैरह, जिसमें कि ये सिरा इसमें फंस जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ये अखंड ज्योत के लिए बाती बनके तैयार हो रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी अखंड ज्योत के लिए बाती बनके तैयार हुई है, और कितनी अच्छी बाती बनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।